साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, देखिए लेह लद्दाख के साल केंद्र सरकार ने उनकी मांगों के प्रति, उनकी मांग थी राज्य का दर्जा देने की, उनकी मांग थी विशेषाधिकार की, नौकरियों में आरक्षण की, उनकी मांगों के प्रति जो सकारात्मक रूप दिखाया है, चाहे ये हाल ही के अंदर जो काउंसिल के वहां पर चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की दुर्दशा के बाद जो है वो इस तरह का रुख अपनाया गया, और जो बातचीत का दौर उनका गृह मंत्रालय के साथ जो है शुरू होने जा रहा है 4 दिसंबर को, सबसे पहले तो हम उसका जो है पुरजोर स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के साथ कब जो है सौतेले व्यवहार पर पूर्ण विराम लगेगा, जम्मू कश्मीर के साथ वादे जो इन्होंने किए थे उसको कब पूरा किया जाएगा। आप देखिए केंद्र सरकार का 2 टर्म का कार्यकाल जो है वो पूरा होने को है, लगभग 9.5 वर्ष से ज्यादा उनका कार्यकाल सत्ता में हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर के साथ, देश की आवाम के साथ अखंड भारत, अखंड जम्मू कश्मीर का वादा किया गया था, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर का वादा किया था, मगर आज भी पीओजे के आप देखो पाकिस्तान के साथ बना हुआ है। जो अखंड जम्मू कश्मीर का वादा करते थे उन्होंने ही 4.5 साल पूर्व 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटते हुए लेह लद्दाख को हमारे से अलग कर दिया गया, राज्य का दर्जा छीन लिया गया, हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जल्द वादा किया गया था राज्य लौटाने का, जल्द वादा किया गया था लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने का, मगर आज तक जमीनी तौर पर तमाम वादे ये जुमलेबाजी साबित हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर का हाल ये हो चुका है कि लगातार स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमारा व्यापार, रोजगार, शिक्षा संस्थाओं, यहां तक के प्रशासनिक उच्च पदों पर भी मैं तो कहूंगा कि गैर स्थानीय लोगों की भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज हम आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा लौटाया जाए, हमें हमारे यहाँ पर जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। इसके साथ ही हमारे से आपने धारा 370 छीनी है, हमें धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए जाएं, जिसके अंदर हमारी संस्कृति पहचान की सुरक्षा हमें मिले, नौकरियों के अंदर हमें आरक्षण मिले, शिक्षा संस्थानों के अंदर हमें आरक्षण मिले। अगर केंद्र सरकार की तरफ से निकट भविष्य के अंदर सकारात्मक संकेत नहीं मिले तो शिवसेना तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ सड़कों पर उतरेगी, एक विशाल जन आंदोलन को जो है वो आगाज किया जाएगा। आपने कहा कि जैसे कि धारा 370 यहाँ पे लागू होनी चाहिए, तो क्या लगता है उससे कितना फायदा है जम्मू कश्मीर की जनता को? देखिए जम्मू कश्मीर को जनता को इस समय खास करके युवाओं को जरूरत है हमारे रोजगार के अंदर आरक्षण का, युवाओं को जरूरत है छात्रों को शिक्षा के अंदर आरक्षण का। आपने हाल ही के अंदर देखा कि बेरोजगारी में जम्मू शीर्ष राज्यों के अंदर पहुंच चुका है, शिक्षा संस्थाओं में बच्चे भटक रहे हैं, तो सबसे ज्यादा और उससे भी ऊपर हमारी संस्कृति पहचान पर लगातार जो है मिटाने की साजिशें रची जा रही हैं। हमें इस समय बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर को जरूरत है कि धारा 371 के तहत, देखिए धारा 371 कोई असंवैधानिक धारा नहीं है, संविधान के अंदर इसका प्रोविजन है, और तमाम पूर्ववर्ती राज्यों के अंदर धारा 371 के तहत उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, हम भी तो बॉर्डर स्टेट हैं, हम बॉर्डर स्टेट होने के साथ साथ पिछले 3.5 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें केंद्र शासित प्रदेश आपने बनाया था ये कहकर कि बहुत जल्द आपको राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा, हमें नहीं मालूम था कि हमें 4.5 साल से भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आप ध्यान कीजिए 2014 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे, 18 के अंदर पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरी थी, आज कितना लंबा अरसा हो चुका है, जनता तरस रही है अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, तो जनता को जो है भलाई के लिए काम कीजिए, ये चेतावनी भी है, ये मांग भी है, ये अपील भी है शिवसेना।